नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। एससी कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी ने किया गणेशपेट बस स्टैंड में जाम आंदोलन, प्रवासियों की बड़ी परेशानी। और मनपा चुनाव के लिए देवेंद्र फडणवीस हो गए सक्रिय, कार्यकर्ताओं को चार्ज करने पहुंच रहे उनके घर। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किसानों की समस्या, बिजली बकाया और नागरिकों की समस्या को लेकर नागपुर के गणेशपेट स्थित बस स्थानक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां एसटी कर्मचारियों को भी न्याय मिले इसकी मांग की गई। ह्या महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी आली आहे, तेव्हापासून महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचं एखादंही चांगलं काम झालं नाही। शेतकऱ्याचं लाईट बिल कापण्याचं असो, सामान्य माणसाला लाईट बिल वाढवण्याचं काम असो, आणि ज्या प्रकारे जनतेवर अन्याय करण्याचं काम ही महाविकास आघाडी करत आहे, ते दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अहंकारी महाराष्ट्राची सरकार आहे। आता त्याचप्रमाणे एस टी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्याचं काम ह्या महाराष्ट्राच्या सरकारने मोठ्या प्रमाणात केलं आहे। एस टी कर्मचाऱ्यांना उपासमारीची वेळ ह्या महाविकास आघाडी सरकारनं आणलेली आहे। त्या महाविकास आघाडी सरकार कोणत्याही जनतेच्या प्रश्नामध्ये आणि जनतेचे प्रश्न सोडवण्यामध्ये यांना पूर्णपणे अपयश आलेलं आहे। हे फक्त वसुली करणारं महाराष्ट्राचं सरकार आहे, पण भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा आज सक्षमतेने एस टी कर्मचाऱ्यांसोबत आहे, आणि जेव्हापर्यंत एस टी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत भारतीय जनता युवा मोर्चाचा कार्यकर्ता हा शांत बसणार नाही। एस टी महामंडल का राज्य सरकार में विलय और कर्मचारियों की प्रलंबित मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक प्रवीण दटके और गिरीश व्यास के नेतृत्व में गणेशपेट बस स्टैंड पर सड़क जाम कर आंदोलन किया गया। इससे गणेशपेट बस स्टैंड से निकलने वाली बस सेवा पूरी तरह ठप हो गई। विधायक दटके ने कहा कि विलय की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही भाजपा कामगार सेना ने एस टी महामंडल के डिपो प्रमुख को चेतावनी दी है कि 31 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। शासनामध्ये विलीनीकरण झालं पाहिजे, झालं पाहिजे, असा कसा देत नाही घेला शिवा राहत नाही, अरे असा कसा देत नाही घेला शिवा राहत नाही। बीजेपी द्वारा किए गए आंदोलन के चलते एसटी बस स्टैंड से दोपहर 12:30 बजे तक 40 बसें रद्द करनी पड़ी और इससे दिवाली के त्योहारी सीजन में अपने गांव जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसटी महामंडल को यात्रियों की सुविधाओं के लिए कुछ रूट्स पर निजी बसों के चलाने की अनुमति देनी पड़ी। आंदोलन में भाजपा कामगार आघाड़ी महानगर अध्यक्ष भास्कर पराते भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि महामंडल की नीतियों के चलते आर्थिक संकट में आए 32 कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। दटके ने कहा कि एसटी के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए और राज्य सरकार में एसटी का विलीनीकरण किया जाए, अन्यथा भाजपा तीव्र आंदोलन करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि 31 अक्टूबर को यहां से एक भी बस नहीं निकलने दी जाएगी। तो प्रस्ताव आता गवर्नमेंट कडे पाठवला, सभा यांच्या सगळे विषय शासनाच्या समावेश करण्यात हरकत नाही म्हणून हे करत माझ्याकडे एपीएमसीचे जे कर्मचारी होते ना अधिकारी त्यांच्या तसाच विषय तुमच्या आहे। हां, आता ते व्हायला पाहिजे ना, आणि तुमचा सपोर्ट म्हणजे सगळेजण तिकडे उतरलेले आहेत, आपल्या परिवारचे परिवार घेऊन आणि तुम्हाला अहिरी पूर्ण एमएससीबीवाला की तसंच आहे, एमएससीबीवाला की असंच आहे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि राज्य परिवहन कर्मचारियों की मदद के लिए 31 अक्टूबर को कोई भी एसटी की बस से यात्रा न करें।
भास्कर बरादे ने कहा कि विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन नागपुर कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहा है। कर्मचारियों को छोटी छोटी बातों के लिए नोटिस थमाकर मानसिक तौर पर परेशान करने का काम किया जा रहा है। या नागपुर महानगर एसटीचे कर्मचारी भाजपच्या सगळ्या नेत्यांना भेटले आणि आज आम्ही त्यांच्या आंदोलनाचं इथे असून समर्थन करतो। आमच्या सगळ्यांचे नेते माननीय गिरीश व्यास यांच्या नेतृत्वात भाजप युवा मोर्चा या संबंधितले सगळे नगरसेवक आमचे कामगार आघाडीचे अध्यक्ष असे सगळे मिळून या आंदोलनात आम्ही सहभागी झालो आहे। आम्ही त्यांच्या मागण्यांकरता इथे आलो आहे। आम्हाला कुठलाही कायदा हातात घ्यायचा नाही, पण या महाराष्ट्राचं हे दुर्दैव आहे। कामगार सेना, आमकी सेना, तमकी सेना करून ज्यांनी या एसटीमध्ये युनियनचं राजकारण केलं, आज त्याच एसटीमध्ये अनेक ड्रायव्हर लोकांनी आत्महत्या केली। कालच एक आत्महत्या मी तुमच्या चॅनलवर बघितली, आज सकाळी पण अशा मला असं वाटतं 28-29 आत्महत्या झाल्या या महाराष्ट्रात। याच्या आधी शेतकरी आत्महत्या करत होते, आता सामान्य कर्मचारी वर्ग आत्महत्या करतो आहे, आणि तेही महाविकास आघाडी ज्यांनी अनेक वर्ष या महाराष्ट्रात राज्य केलं। माननीय शरद पवार असतील, उद्धव ठाकरे साहेब असतील, अजित पवार साहेब असतील, थोरात साहेब असतील, का अजून कोणते साहेब असतील, हे दुर्दैव आहे की 30 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या। आमची तर आज मागणी आहे की परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर आणि मंत्र्यावर FIR दर्ज केला पाहिजे सदोष मनुष्यवधाचा। आणि आम्हाला आमची एकच मागणी आहे, हे भत्तान ते 1% हे म्हणजे वांझोटा कार्यक्रम आहे। आमची एकच मागणी आहे की एसटीचं विलीनीकरण, जे आमचे आमदार पडळकर साहेब त्यांनी जो माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेटून जो विषय त्यांनी ठेवला तो यांनी मान्य करावा। ज्यांच्याकरता इतर विभागात द्यायला पैसे आहेत, ज्यांच्याकरता मंत्र्यांकरता गाडी घ्यायला पैसे आहेत, बंगले दुरुस्त करायला पैसे आहेत, पण एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचं विलीनीकरण करून त्यांना पगार द्यायला पैसे नाही, हे दुर्दैव आहे या महाराष्ट्राचं। नरेंद्र बोरकर, विधायक कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, मोहनजी मते, प्रमोद चिखले, राहुल खंगार, सचिन करारे, दीपांशु लिंगायत, सचिन सावरकर, बादल राउत, रितेश रहाटे, अमृत भानुसे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। फरवरी 2022 में होने वाले महानगर पालिका चुनाव में चौथी बार बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने के लिए पूर्व CM व विद्यमान विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस अपने गृहनगर में सक्रिय हो गए हैं। उनका अगला मिशन महानगर पालिका है। बीते 15 वर्षों से भाजपा का मनपा में कब्जा है और अब की बार भी भाजपा अपना कब्जा किसी भी तरह बरकरार रखने की तैयारी में है। खुद फडणवीस पार्टी के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए उनके घर घर जाकर भेंट दे रहे हैं। पहले जिला परिषद में चुनाव में बीजेपी को पराजित कर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से कब्जा कर लिया। उसके बाद हुए शिक्षक विधायक चुनाव में भी भाजपा के गढ़ को कांग्रेस ने तगड़ा झटका कर यह सीट छीन ली। इसी महीने 5 अक्टूबर को हुए जिला परिषद व पंचायत समितियों के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी ताकत और बढ़ा ली है, लेकिन भाजपा यह नहीं चाहती कि सिटी से भी उसकी सत्ता छीन जाए। इसलिए सबसे पहले बीजेपी ने ही चुनाव की तैयारी शुरू की है। नेता विधायक अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर सक्रिय करने में जुटे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ ही सभी विधायक, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी आदि काम पर लगे हैं। 151 नगर सेवकों वाली मनपा में भाजपा 108 सदस्यों के साथ पूर्ण बहुमत से काबिज है। इस बार का चुनाव 4 की बजाय 3 सदस्य के प्रभाग सिस्टम से होने वाला है, जिसके चलते दोबारा प्रभाग रचना की प्रक्रिया शुरू है। राज्य सरकार ने औसत 17% जनसंख्या बढ़ोतरी को आधार मानकर प्रभाग व नगर सेवकों की संख्या निश्चित की है। इससे नगर सेवकों की संख्या बढ़ेगी। सरकार ने 2 दिन पूर्व कैबिनेट में निर्णय लिया कि 2011 की जनगणना के औसत पर 15-17% वृद्धि के अनुसार नगर सेवकों की संख्या निर्धारित की जाएगी। नागपुर की जनसंख्या 30 लाख से अधिक होने की संभावना है, जिसके चलते कम से कम 17 सीटें तो बढ़ना तय समझा जा रहा है। हालांकि इस पर अभी भी संभ्रम बना हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि नागपुर मनपा में नगर सेवकों की संख्या 176 तक हो सकती है। ऐसा हुआ तो अधिक कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। सुपर 30 के जनक आनंद कुमार ने कहा कि देश की युवा शक्ति दुनिया के समक्ष एक ताकत बन गई है। यही वजह है कि युवा शक्ति में वैचारिक नेतृत्व निर्माण करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने का प्रयास करो। उन्होंने कहा कि राजनीति में अब भी अच्छे लोगों की जरूरत है। शनिवार को राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के छात्र युवा संसद का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में आनंद कुमार को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर आनंद कुमार ने कहा कि मेरे पिता हमेशा जीवन में बड़ा बनने की प्रेरणा देते थे। पिता की प्रेरणा से ही आज इस मुकाम तक पहुंच सका हूं। मुझे अक्सर राजनीति में नहीं जाने की सलाह दी जाती है,
लेकिन जब तक राजनीति में अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग नहीं आएंगे तब तक समाज का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। अतः अच्छे लोगों की राजनीति में अब भी जरूरत है। उन्होंने छात्रों से कहा कि जीवन में किसी भी पद पर पहुंचो लेकिन गरीबों को न्याय दिलाने की ललक होनी चाहिए। जीवन में संघर्ष से आगे का रास्ता मिलता है। छात्र संसद से प्रेरणा लेकर प्रत्यक्ष में संसद तक पहुंचने का प्रयास करें। धर्म के चक्र में न पड़ते हुए सभी की प्रगति के लिए प्रयास करने की सलाह दी। मंच पर विद्यापीठ के कुलपति सुभाष चौधरी, महापौर दयाशंकर तिवारी, भंडारा के सांसद सुनील मेंढे, प्रकुलपति संजय दुधे, विष्णु चांगदे, टारजन गायकवाड़, अभय मुद्गल उपस्थित थे। कार्यक्रम में सांसद मेंढे ने कहा कि संसद में कोई भी कानून बनाते वक्त उस पर 2-3 दिनों तक चर्चा होती है, सभी पहलुओं की पड़ताल की जाती है। इसी तरह छात्रों को भी अध्ययन करना चाहिए। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि भले ही हम सत्ता पक्ष, विपक्ष या फिर निष्पक्ष हो लेकिन विचारों और अध्ययन से समृद्ध होना चाहिए। संवाद साधना और संवाद करना आवश्यक है, इससे विचारों का आदान प्रदान होता है और समस्याओं का निराकरण होता है। नेताओं के कान गणपति की तरह बड़े होने चाहिए। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार, जॉइंट कमिश्नर अश्वती दोरजे और DIG नवीन चंद्र रेड्डी के मार्गदर्शन में पुलिस दीदी उपक्रम शुरू किया गया है। सभी पुलिस थानों में एक नोडल अफसर के साथ महिला पुलिस कर्मियों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। DCP विनीता साहू के मार्गदर्शन में सीताबर्डी के इंस्पेक्टर अतुल सबनिस और उनके स्टाफ ने धर्मपेट के गवलीपुरा परिसर में मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। नोडल अफसर दिलीप चंदन ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की जानकारी दी। इसके बाद हेड कांस्टेबल सारिका वानखेड़े, रंजना जायभाए और दीपाली भोयर ने महिलाओं और युवतियों से खुलकर चर्चा की। कम उम्र की लड़कियों को गुड और बैड टच के बारे में बताया। दीपावली पर खरीदारी करने बाजार में जाते समय सावधानी बरतने की टिप्स दी। साथ ही परिसर में किसी असामाजिक तत्व से परेशानी होने के बारे में पूछा गया। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसकी जानकारी दी। DCP विनीता साहू ने बताया कि पुलिस महिलाओं के बीच जाकर उनकी परेशानी जानने का प्रयास कर रही है। इसके लिए विशेष दल बनाया गया है। युवतियों को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि पुलिस हर वक्त उनकी सेवा में मुस्तैद है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर बिना डरे पुलिस से संपर्क करें, पुलिस हर स्तर पर उनकी मदद करेगी। दीपावली को ध्यान में रखते हुए DCP विनीता साहू ने अपने जोन के अंतर्गत आने वाले सभी बैंकों के मैनेजर, सराफा और अन्य व्यापारियों के साथ संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में ACP तृप्ति सोनव ने सीताबर्डी के थानेदार अतुल सबनिस, अंबाजरी के अशोक बागुल और धंतोली थाने के महेश चव्हाण भी उपस्थित थे। बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में चारों ओर जेब कतरे भी सक्रिय हो जाते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी को अपने संस्थान में CCTV कैमरे अपडेट करने और असामाजिक तत्वों पर निगरानी करने की सूचना दी गई। कोई भी परेशानी होने पर संबंधित पुलिस स्टेशन के थानेदार से संपर्क करने को कहा गया। उपस्थितों ने परिसर में गश्त बढ़ाने की मांग की। भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की यूनियनों को बहुत ताकतवर माना जाता है। रेल कर्मियों की निष्ठा का फायदा उठाकर रिटायर्ड होने के बाद भी यूनियन के नेता अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं दिखते। रेलवे मजदूर संघ के RP भटनागर समेत अन्य सभी रेल यूनियनों में ये नजारा है। हालांकि पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ में रेलवे द्वारा किए गए फैसले के बाद अब रेल यूनियनों में रिटायर्ड नेताओं की उल्टी गिनती शुरू होती नजर आ रही है। भटनागर के वंशवाद के खिलाफ आवाज उठाकर मोर्चा बुलंद करने वाले महामंत्री अशोक शर्मा को रेलवे ने वास्तविक मुखिया तय कर दिया है। देश के सभी रेल यूनियनों में रिटायर्ड रेल कर्मियों ने अपनी नेतागिरी से कब्जा कर रखा है।
नागपुर मंडल के तहत नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन और सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में भी ऐसा ही नजारा है। भटनागर के खिलाफ सबसे पहले आवाज नागपुर मंडल के सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ से ही उठी थी। हालांकि आवाज उठाने वालों को सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का हाथ थाम लिया। हालांकि नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन में भी कुछ रिटायर हो चुके रेलकर्मियों ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी है। अब भी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, स्टेशन परिसर समेत मंडल के सभी स्टेशनों पर उनके पोस्टर दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के बाद नौकरी से रिटायर हो चुके रेलवे नेताओं के खिलाफ नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन में कब मोर्चा खोला जाएगा। हैरानी तब होती है जब स्वयं को रेलकर्मियों का हितैषी बताने वाले रिटायर हो चुके नेता अपने प्रचार के लिए मंडल में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगा देते हैं। इसमें लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं। यह वही पैसा होता है जो रेलकर्मी यूनियन को देता है। बात समझ से परे है कि आखिर रिटायर्ड रेलकर्मी किस अधिकार से यूनियन के सदस्य रेलकर्मियों के पैसे का इस प्रकार दुरुपयोग कर सकता है। वरिष्ठ रेल अधिकारियों से अपने संपर्क का फायदा उठाकर नेता यूनियनों में बने रहते हैं। हालांकि भटनागर से कुर्सी छीनने के बाद आने वाले दिनों में नागपुर समेत अन्य मंडलों के रेल यूनियनों में भी बगावत नजर आ सकती है। नागपुर शहर के अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस विभाग द्वारा हर दूसरे दिन विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिटेक्शन ब्रांच में कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों को लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। नशीले पदार्थ और आर्म्स एक्ट की वारदातों में सक्रिय अपराधियों की जांच के बाद पुलिस आयुक्त मितेश कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोरजे और DIG क्राइम सुनील फुलारी ने अधिकारी और कर्मचारियों को नया टास्क दिया है। नागपुर शहर में सक्रिय अपराधी MPDA और मौका में छूटने वाले अपराधी और तड़ीपार सहित जेल से पैरोल पर रिहा होने वाले सभी 406 अपराधियों के घरों पर दबिश देकर जांच करने के आदेश दिए गए। DCP चिन्मय पंडित के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच के सभी 5 यूनिट एंटी एक्सटॉर्शन, चैन स्नैचिंग, सेंधमारी और सामाजिक सुरक्षा सेल सहित शहर के सभी 33 थानों के DB स्क्वाड को आरोपियों की सूची दी गई है। रात भर पुलिस का जांच अभियान चलता रहा और सभी अपराधियों की जांच की गई। इसी दौरान कलमना थाना क्षेत्र में गैंग को डकैती की तैयारी में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। नशीले पदार्थ बेचने वाले 3 और हथियार लेकर घूमते 2 अपराधियों को दबोचा गया। अलग अलग थानों में कुल 6 मामले दर्ज किए गए। आगे भी पुलिस के अभियान जारी रहेंगे। नागरिकों से अपील है कि किसी भी अवैध धंधे या अपराधी की गतिविधियों की जानकारी हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन या क्राइम ब्रांच को जानकारी दे। खबर देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।